हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। बात करते हैं हरियाणा की राजनीति से। हरियाणा की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न जो कल ही हम कर रहे थे कि क्या किरण चौधरी तोसाम से विधायिका हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय बोल सकती हैं, बीजेपी में जा सकती हैं। लेकिन यह संशय बना हुआ था लोगों के कि शायद हो सकता है। पत्रकार के सवाल पूछने पर जब इनको टाल मटोल करते हुए जब आए तो वहीं से अंदाजा लगाया जा सकता था कि बहुत जल्दी वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। और आज शाम को 18 जून को ये बात सत्य हो गई जब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का त्याग पत्र सामने आया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। और बातें यहीं लगाई जा रही हैं कि कल दिल्ली के अंदर सुबह 9 बजे किसी बीजेपी के बड़े नेता के साथ वो भाजपा ज्वाइन कर सकती है। चौधरी बंसीलाल जी ने जो अपना वर्चस्व बनाया था हरियाणा विकास पार्टी को जब विलय किया था कांग्रेस पार्टी के अंदर, और उसी बात से यहाँ पे आज भी ये बात सत्य हो गई है कि चौधरी बंसीलाल जी का जो परिवार था, जो उनके जाने के बाद जिस प्रकार से बिखरा है, वो शायद अब तक संभल नहीं पाया है। क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी खुद जो है किरण चौधरी की बगावत करते हुए नजर आते हैं, तो महेंद्रा जो है वो खुद भी उनकी बगावत करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि उनके जाने के बाद कभी परिवार एक हुआ ही नहीं। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की तो हमेशा अलग से बातें रही हैं। बात लोकसभा जब चुनाव हुए थे वहीं से अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि जब श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांगने गई किरण चौधरी, और वहां से श्रुति चौधरी का जब टिकट काटा गया और टिकट काट करके जो है वो राव दान सिंह को प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं से नारा चलती हुई नजर आ रही है। नतीजे आने के बाद में खुलम खुला प्रहार होने लगे, और जब राव दान सिंह आपस में किरण चौधरी के साथ में भिड़ जाते हैं और कोई भी किसी रैली के अंदर राव दान सिंह की श्रुति चौधरी या किरण चौधरी को नहीं देखा जाता है, पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो श्रुति चौधरी किरण चौधरी सीधम सीधा यही प्रहार करते थे कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया, अब बिना बुलाए हम कैसे जाते। और वो श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जो है वो सिरसा के अंदर कुमारी शैलजा के लिए प्रचार करने चली जाती हैं। लेकिन जब पत्रकारों से सवाल किया गया, राव दान सिंह से उसे पूछा गया कि किरण चौधरी नजर नहीं आती हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद वो अपनी मीटिंग में बिजी होंगी। लेकिन जब रिजल्ट आने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या भीतरघाती हो सकती हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि भीतरघाती तो आपको पता ही है, ये सवाल पूछने की नहीं है। पत्रकार ने कहा कि नाम लेने में क्या शर्म है, तो उन्होंने कहा यार नाम क्या लेना है, किरण चौधरी ही तो हैं। किरण चौधरी ने तो शाम हल्के में उनकी मदद नहीं की, नहीं तो वो जीत जाते। और किरण चौधरी ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हल्के में अपने बूथ के अंदर हार जाता है तो वो किस प्रकार से दूसरों के ऊपर लांछन लगा सकता है। और उस बात को धराशायी करते हुए आज किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को बाय बाय टाटा बोल दिया है, और वो शायद कल पता लग जाएगा बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर सकती हैं और भाजपा में जा सकती हैं। और अंदाजा भी यही लगाया जा रहा है कि जब राज्यसभा की सीट खाली हो चुकी है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी बन चुके हैं, और किरण चौधरी जब भाजपा में जाती हैं तो बात यह बताई जाती है कि किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद के लिए भेजा जा सकता है, और श्रुति चौधरी के लिए वो टिकट की मांग करेंगी तोसाम से। अब बात करते हैं कि श्रुति चौधरी जो हैं पीछे हार चुकी हैं, हारने के बाद उनको टिकट मांगा गया, सोचा गया कि जब नए चेहरा मैदान में होगा तो शायद जीत लगाई जा सकती है। लेकिन जैसे ही रावदान सिंह हारे तो उनके समर्थकों ने भी कहा कि अगर श्रुति चौधरी को टिकट मिलती तो शायद अंदाजा या फिर रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन उन सब बातों का नतीजा यहीं पे निकल करके आया है कि रावदान सिंह चुनाव में मैदान में थे, लोकसभा सीट से हार चुके हैं, और धर्मवीर सिंह जी दोबारा से जो है वो भाजपा पार्टी के लिए एमपी चुने गए थे। अब ये बातें थी, खुल्लम खुला प्रहार आपस में हुए, लेकिन उन सब बातों को, उन प्रहारों को यहीं पे छोड़ करके कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल या निशान उठाया किरण चौधरी ने। किरण चौधरी ने कहा कि संगठन मजबूत नहीं है, कांग्रेस पार्टी का भविष्य कोई नजर नहीं आता है। तो इसी बात से ये अंदाजा भी लगाया जा सकता था कि अगर कांग्रेस पार्टी का भविष्य उन्हें नजर नहीं आता है तो शायद भविष्य के अंदर वो किसी दूसरे पार्टी का दामन थाम सकती है। और हुआ भी यही कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बाय बाय बोल दिया है और भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। उन्होंने हुड्डा गुट के ऊपर भी आरोप लगाए कि क्या वही एक नेता है, वो मतलब कई प्रश्न के ऊपर लगाया कि कोई जैसे एमएलए बनकर रात को सोता है तो कई लोग ऐसे हैं जो रात को सीएम बनकर सोते हैं। कुमारी शैलजा को उन्होंने कहा कि अगले सीएम जो हैं वो हरियाणा की कुमारी शैलजा एक सीनियर लीडर हैं, और रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ भी उन्होंने इशारा किया, अपनी तरफ भी इशारा किया कि सीनियर लीडर हम भी तो हैं।
आगे हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक न देखी, दो न देखी और सीधम सीधा भाजपा ज्वाइन करने की तरफ दौड़ पड़ी। अब भाजपा ज्वाइन करेंगी ये बात अभी सिर्फ संशय है, कल हो सकता है इस बात को पलगा जा सकता है। और स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो ट्विटर के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा है और कहा है कि जो चौधरी बंसीलाल जी की विरासत है उनको हमेशा मेरे साथ रखना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो रेजिग्नेशन लेटर है उन दोनों का मैं साइड में क्लिप में दिखा रहा हूँ और थोड़ा सा मैं पढ़ के भी आपको दिखा देता हूँ। रेजिग्नेशन जो लेटर है वो आपकी स्क्रीन पे ऊपर है, श्रुति चौधरी का और किरण चौधरी का। तो थोड़ा सा मैं आपको किरण चौधरी जो है उनका रेजिग्नेशन लेटर जो है मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए, आई हेयर बाय टेंडर माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। आई हैव बीन ए लॉयल एंड सेटिस्फाइड स्टेडफास्ट मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर द लास्ट 4 decades एंड हैव ओवर दीज ईयर्स डिवोटेड माई लाइफ टू द पार्टी एंड द पीपल whom I represent in Haryana. I also represent the rich legacy of late Shri Chaudhary Bansilal, the architect of the modern Haryana, and my late husband Chaudhary Surendra Singh. However, it is most unfortunate that the Congress party in Haryana is being run as the personal fiefdom, leaving no space for the sincere voice like mine who have been stiffed, humiliated and conspired against in a most well orchestrated and systematic manner, thus significantly hampering my diligent efforts to the represent our people and uphold the value I have always stood for. My aim and objective from the very beginning have been to serve the people of my state and my country. I am now unable to do the same under such constraints. तो बताया गया है और साथ ही बता दें कि विधायक पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब विधानसभा चुनाव आने वाले 3 महीने के अंदर होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी जहां ये बोल रही थी कि बीजेपी पार्टी अल्पमत में है, अल्पमत यहां पे कांग्रेस पार्टी को भी नजर आने लगा है। 3 महीने बचे हैं, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, एनडीए की सरकार बन चुकी है पूरे देश भर के अंदर। 3 महीने बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा की चुनाव है, बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है इस राजनीति के अंदर। और राजनीति के इस बदलते स्वरूप के अंदर आपका क्या कहना है, क्योंकि नेताओं के कोई प्रसन्न नहीं होता, नेताओं की कोई जगह नहीं होती। आज कांग्रेस जिस प्रकार से बिखरती हुई नजर आ रही है, उस प्रकार से बीजेपी पार्टी के भी बागी नेता बन सकते हैं, क्योंकि सभी बातें टिकट के ऊपर टिकी हुई हैं। अगर किसी नेता को टिकट नहीं मिलती है तो क्या उनको पार्टी बदल लेनी चाहिए? 3 बार श्रुति चौधरी मैदान में थी, हार का मुंह देखना पड़ा। क्या अगर अब की बार उनको टिकट नहीं मिली तो पार्टी बदल देनी चाहिए, या उनका फैसला सही है? क्या अनिरुद्ध चौधरी और महेंद्र सिंह क्या चौधरी बंसीलाल के विरासत को बनाए रखेंगे, या फिर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बंसीलाल के परिवार की हैं, या फिर उनके विरासत को वो भाजपा पार्टी में अपना भविष्य नजर आएगा? क्या कुछ भविष्य होगा, ये तो तमाम तस्वीरें आगे का भविष्य बताएगा। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।